अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मारूज। मैं हूं मैड हमजा। वेलकम टू रिएक्शन स्क्वाड। आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है बताएं। आज हम आकाश गुप्ता की एक स्टैंड अप कॉमेडी के साथ जो है ना आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आपकी आप लोग कमेंट में जो है ना आकाश गुप्ता के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इसकी वीडियो पे जो है ना रिएक्ट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज उनकी वीडियो का टॉपिक है मैं और मुंबई। अब मुंबई के अंदर क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, ये इसको कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं आकाश, तो आज आप लोगों के साथ हम इस चीज़ को इन्जॉय करेंगे। लेकिन इन्जॉय करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें और आकाश के कोई फनी फनी टाइटल्स बताइएगा ताकि हम आकाश गुप्ता की उन वीडियोज़ को आपके सामने। आपको हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स मिल जाएंगे, हमें वहाँ पर जाके मस्त जाके फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जी, मुंबई पसंद है, ऐसा नहीं। आई लव मुंबई। जब यहाँ पे वो एकदम प्लेजेंट मौसम नहीं हो जाता है, जिसको बाय द वे आप लोग मुंबई विंटर्स बुलाते हो। अच्छा जी, हिम्मत है आप लोगों की। मैंने क्या, मैं जनवरी में स्वेट शर्ट पहन के आ गया, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, क्या कैसे विंटर्स हैं यार, ये विंटर्स हैं तो लोनावला में तो बर्फ गिर रही होगी। और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे लोग, सनसेट के बाद ना थोड़ा चिली हो जाता है तो हुडीज निकाल लो। हुडीज कि कहीं कान से ठंडी हवा ना चली जाए अंदर। कैसी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो तुम लोग यहाँ। आई लव मुंबई। मैं रहा हूँ यहाँ पे 2 साल यार, मतलब मुझे याद है कि जब मैं रहा था तो ये दिसंबर से मार्च मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर वो 2 महीने आते हैं वो गंदी गर्मी के, है ना, एकदम घर से आप बाहर निकले चप सब चिपक जाएगा आपसे, चप 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 ऐसे चल रहे हैं। फिर सब वेट कर जाते हैं, हाँ मानसून आ जाए, मानसून आ जाए, फिर वो आते हैं और वो आते ही जाते हैं, बारिश अपने साथ सब ले जाते हैं। दीदी क्यों नहीं आई, बह गई। पर कह रही थी परसों तक वापस आ जाएंगी। ये भी तो होता है, काम नहीं छोड़ता मुंबई में कोई, बैब हुआ के वापस आ जाएगी काम करने। मैं जब पहली बार यहाँ रहता था मुझे याद है जब मॉनसून शुरू है ना, पहले 5-6 दिन तो अपने बड़ा मजा आ रहा है कि वाह यार फ्रेश हवा, ग्रीनरी, पानी। फिर वो ना 2 हफ्ते हो गए यार, मतलब धूप निकल रही है। मैं कहा भाई ये कच्चे कहाँ सुखाने हैं यार, तेरे बेडरूम में पंखे के नीचे, तो जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ उसी पे कच्चे भी सो रहे हैं, वहीं गीले कच्चे वहीं से पहन लो, वहीं सुखा दो, उसी पंखे में मर जाओ। लव यू मुंबई, ओहू मानसून। 3 महीने गीले कच्चे पहन के घुमाऊ मैं, बस सुबह रोटी बनाते हैं शाम तक दिखाई उसमें फंगस लग गई है। मैं कहीं पेस्टो रोटी कौन बना के गया घर में यार, दीदी ने फोकाशिया ब्रेड बनाई है आज। लोकल ट्रेन बहुत पसंद थी क्योंकि दिल्ली में ये नहीं थी, दिल्ली में मेट्रो थी जो यहाँ भी बन रही है, हौसला बन रही है, अभी तो काफी बन चुकी है यार। भाई ये कोलाबा सीप्स बैंड्रा वाली कब से खुदी पड़ी है यार, कई बार तो मेरा मन करता है मैं ही बोल दूँ भैया मैं फ्री हूँ हेल्प कराने के लिए, आ जाओ 2 घंटे आ जाओ, मैं चल क्या रहे यहाँ, बताते भी नहीं हो, वो अंधेरी में वो पिलर वाली मेट्रो बन रही है, वो कुछ अलग ही लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ। वहाँ मैंने देखा कुछ पार्ट्स हैं जो पूरे रेडी हैं, पिलर, गर्डर, खंबा, ट्रैक, उसके आगे खुदा भी नहीं है। ये कैसी प्लानिंग है? अगला स्टेशन डीएन नगर। दरवाजे आपकी बालकनी में खुलेंगे। ओ सॉरी, वो तो यहाँ होती नहीं। हाँ
दरवाजे आपके बेडरूम में खुलेंगे, कृपया हट के खड़े हो। ये कैसा ठेका बट है ठेकेदारों में, एक बंदा बना के घर चला गया, दूसरा ग्रह छोड़ना है, अगले महीने देखते हैं। मतलब लोकल ट्रेन बहुत सही लगती थी, मतलब और जब ना ऐसे फिल्मों में इतना देखा होता है ना हमने, तो हम जब दिल्ली से आते हैं ना लटक के एकदम एकदम मन में गाने गाने शुरू कर देते हैं, सफर का ही था मैं सफर का रहा, कह रहे बेटे बैठ जाओ, इधर गया इधर गया, मैं लटकूंगा अंकल आज, एकदम फील आती है, हवा लगती है ऐसे। मैं बस एक लोकल ट्रेन की स्टोरी है एक सुनाता हूँ। आप लोगों ने कॉमिकस्तान देखा है? तो ना कॉमिकस्तान की शूटिंग मुंबई में हुई थी, तो हम सब कंटेस्टेंट्स को ना अंधेरी में ठहराया हुआ था 2 महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि हमें ना एक ओपन माइक करने थाने जाना था, तो हाँ तो मैं, सुमित सौरभ जो आया था, सुमित सौरभ और जोएल डिसूजा, हम तीनों कंटेस्टेंट्स थे उस शो में। तो हमें थाने जाना था और थाने से वापस बैंड्रा आना था एक और जगह परफॉर्म करने। तो किसी ने बोला यार ये आप कैब वैब में मत जाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेन में जाओ। मैं कहा सही है ट्रेन में चलते हैं। तो ना वो 5 से 7 बजे का टाइम था और हम में से 2 लोग मुंबई के थे भी नहीं, और जो था वो खुद कभी थाने नहीं गया था, जोएल डिसूजा, ठीक है। तो हम अंधेरी में थे, लोगों ने बोला पहले मेट्रो लेके घाटकोपर जाओ, वहाँ से लोकल मिलती है। तो वो मेट्रो है ना जो सबसे पुरानी यहाँ चल रही है, कब से वो वर्सोवा घाटकोपर, वो मेट्रो नहीं है यार, वो एसी वाली लोकल ट्रेन ही है वो भाई। उसमें इतनी भीड़ होती है यार, मैं देखा लोगों की पिछवाड़े पे आके दरवाजा रुक जाता है, टंग 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 टंग, बंद नहीं हो रहा, टंग 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 टंग, भाई साहब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे, शाबाश शाबाश, चलो आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप, एक्सक्यूज मी, सुबह सुबह हैरेसमेंट होता है बॉम्बे में, ये सब सहते हो आप, मैं उसके बाद ऑफिस कैसे चले जाते हो तुम लोग यार, ये सब सहने के बाद कोई पीपीटी कैसे दे सकता है, मैं मान गया आप लोगों को यार, मान गया मैं आपके जज्बे को, मान गया मैं। और ये इसमें अगर आप पलट जाओ तो ये हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, हर जगह से आप। तो हम चढ़े अंधेरी से, फिर ये हुआ हमारे साथ, फिर हम घाटकोपर उतरे, मैं कहा आ, तो किसी ने बोला यहाँ से ना आपको मुलुंड की तरफ जो ट्रेन जाएगी ना वो लेनी है, उसमें थाने आते हैं। मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फास्ट में जाना है स्लो में जाना है? फास्ट में जाएंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो शहर के नहीं होते हैं, हमारा वाइवा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके वाइवा होना चाहिए।